दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले WhatsApp पर एक न्यू अपडेट आया था, जिसमें बताया जा रहा था कि अब WhatsApp पर कोई भी इमेज को डॉक्यूमेंट फाइल पर ना सेंड करके आप इमेज में ही सेंड कर पाओगे उसको बिल्कुल HD क्वालिटी में। लेकिन अब क्या होगा कि उस फोटो के साथ साथ आप अब वीडियो को भी HD क्वालिटी में सेंड कर सकते हो। HD क्वालिटी बनने का मतलब यह है कि उस वीडियो का जो भी साइज आपके डिवाइस के अंदर शो हो रहा, सेम साइज सेम रेजुलेशन उस बंदे के पास भी सेंड होगा जिसके पास आप उसको भेजना चाहते हो। अब ये ट्रिक किस तरीके से काम करेगा, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपडेट है, फाइनली व्हाट्सएप के अंदर आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट है। इसके लिए मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना ही तो यूज़ किया हूँ, ना ही आपको यूज़ करने के लिए बोलूँगा। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये ऑप्शंस कैसे मिलेगा और किन किन लोगों को अभी तक मिल चुका है। बात करते हैं प्रोसेस की, चलते हैं सीधे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। दोस्तों पहले क्या होता था, अभी भी बहुत तो उस अपडेट को भी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अभी तक वो अपडेट वो ऑप्शंस और फीचर मिला ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले ये होता था कि हम किसी के पास अगर HD क्वालिटी में कोई इमेज को सेंड करना चाहते थे तो वहाँ पर मान लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए वहाँ पर ऊपर हमें यहाँ पे एक HD का ऑप्शन मिलता था जिससे हम उस पर टाइप करके HD मोड में इस फोटो को हम सेंड कर पाते थे किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जैसे कि सभी इमेजेस वो वहाँ पे सेंड नहीं होंगे HD क्वालिटी में, जो आपके कैमरे से शूट किए होंगे वही वहाँ पे सेंड होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे कैमरे को ऑन करके एक फ़ोटो को यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैं ये अपने बैकग्राउंड को कैप्चर कर लिया, अब मैं इसी इमेज को यहाँ पे सेंड करना चाहूँ HD क्वालिटी में तो ये इजीली हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट या व्हाट्सअप इमेज को आप चाहो तो सेंड नहीं कर सकते HD मोड के अंदर। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ऊपर में HD का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम टैप करके यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, स्टैंडर्ड और HD क्वालिटी। HD क्वालिटी को सेलेक्ट करके सेंड पे टैप करेंगे तो ये HD क्वालिटी में ये सेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो इमेज की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं क्या हम HD क्वालिटी वीडियो को सेंड कर पाएंगे या नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अपडेट आ चुका है। जैसा कि हमें यहाँ पे प्लस के आइकन पे टाइप किया, इस पे गैलरी पे टाइप किया, यहाँ पे कोई वीडियो है मेरे ऑलरेडी ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, इसको मैं टाइप कर ले रहा हूँ। अब देखिए ऊपर में HD मोड का ऑप्शन आ गया। इमेज में ये है प्रॉब्लम कि वो आपके कैमरे से जो इमेज शूट हुए रहेंगे सिर्फ आप उसी को HD मोड में आप सेंड कर पाओगे, लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो को, चाहे वो डाउनलोड किया हुआ वीडियो हो या कैमरे से शूट किया हुआ हो या व्हाट्सएप से कहीं से आया हुआ वीडियो हो, किसी भी वीडियो को आप HD मोड के अंदर यहाँ पे टैप करोगे सेम ऑप्शंस आएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी, HD क्वालिटी। HD क्वालिटी को सेंड करके इसको वहाँ पे सेंड कर देना, HD क्वालिटी में वीडियो उस बंदे के पास चला जाएगा जितना इसका रेजुलेशन होगा, जितना इसका साइज होगा सेम साइज सेम रेजुलेशन में सेंड होगा। आप अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हो सेंड करने से पहले, और सेंड करने के बाद अगले को भी बोलना कि आप भी चेक करो, दोनों का मतलब जो MB है जो साइज है सेम मिलेगा, ठीक है। तो HD क्वालिटी में बेनिफिट यही है कि आपका बिल्कुल ही आप जो क्वालिटी है वहाँ पे चिप नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो आप इस तरीके से HD मोड के अंदर इमेज को या वीडियो को इजीली सेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर HD मोड का ऑप्शन आपको नहीं मिला है तो फ्रेंड्स आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है व्हाट्सअप बीटा वर्जन ज्वाइन, इस तरीके से सर्च करोगे फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर टाइप करके व्हाट्सअप बीटा वर्जन को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल ईजी है ज्वाइन करना, बस आपको उसी ईमेल से लॉगिन करना है जो ईमेल आपके प्ले स्टोर में लॉगिन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस वीडियो के यहीं भी एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।